अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। तो आज मुझे जाना है जी बारात के एक फंक्शन पे। उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। सुबह सुबह उठ गई थी, ब्रश किया, मुंह हाथ धोया। उसके बाद सर्दियाँ हैं, स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है। लोशन मोशन लगाएंगे, वैसलीन लगाएंगे, पानी पियेंगे। और ये यहाँ पे अब्बू सबसे पहले तैयार होके खड़े हो गए थे। फैसल उनकी टाई ठीक कर रहा था, और फिर मैंने और फैसल ने अपनी बेडशीट ठीक की। और ये यहाँ पे मैं ऊपर जा रही थी, और जाते जाते हम मछलियों को खाना देके जाएंगे। ऊपर आई हूँ तो सबसे पहले मुझे ये वाली बास्केट नज़र आई है। ये रात को मैंने पीआर पैकेजेस ओपन किए थे, और ये चेक करें, ऊपर से नीचे तक सारी की सारी पैकिंग है। और मुझे अभी निकालने हैं जी अपने कपड़े। कपड़े मैंने अभी तक नहीं निकाले, लेकिन दिमाग में मैंने सोच लिया था कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। तो अभी हम निकालते हैं। ये सबसे ऊपर ही पड़ा हुआ है, ये वाला ब्लू फ्रॉक है। इसको अभी प्रेस करना है। प्रेस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके साथ ये पाँव तक है, तो नीचे हम कोई भी ब्लैक कलर की टाइट्स पहन लेंगे। यहाँ पे पड़ी हुई थी टाइट्स, ये वाली है शायद। हाँ यही वाली है, ब्लैक कलर की टाइट्स पहन लेंगे। आसान हो रही है, एक मिनट आती हूँ। निकाल लिए हैं, और इसके साथ हम इन दोनों में से कोई एक वेलवेट की शॉल लेंगे। और पीछे यार मोहम्मद भाई की आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी हमेशा की तरह। ये ब्लैक वाली है, और एक ये वाली है पर्पल मरून कलर में। और आई थिंक इसके साथ ये वाली बहुत अच्छी लगेगी। और अब मैंने निकालने हैं इसके साथ मैचिंग शूज़ और मैचिंग ज्वेलरी। हील्स तो मैं पहनने वाली हूँ नहीं, तो कोई अच्छा सा खुस्सा निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में से हम कोई खुस्सा पहनेंगे, या तो हम ये वाला पहन सकते हैं, या फिर हम ये वाला पहन सकते हैं। और आई थिंक हमें यही वाला पहनना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ये वाला भी अच्छा लगेगा, ये वाला थोड़ा डिसेंट लगेगा, और ये वाला बारात के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यही पहनूंगी मैं, बस दिल आ गया मेरा इस पे। और अब हम अपने कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी निकाल लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ना ये वाला चॉकर पहन लूँ, बाकी सब चीज़ों को स्किप करा दूँ। क्या ख्याल है? यही वाली दो चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, ये वाला चॉकर। चॉकर ऑलरेडी काफ़ी हैवी है, तो इसके साथ इयररिंग्स तो पहने वैसे ही अच्छे नहीं लगने हैं, और साथ में ये वाली बैंगल्स। बस अब जल्दी से मैं अपने कपड़े प्रेस करती हूँ, और फिर मैं वापस आती हूँ। प्रेस इसको मैंने कर लिया है, और देखें मैंने कितना अच्छा प्रेस किया है। वाह। नाउ इट्स टाइम टू सॉर्ट आउट माई नेल्स। नेल पॉलिश मैं लगाने वाली हूँ नहीं, मैं इनको बस थोड़ा सा शेप करूँगी। रेड नेल पॉलिश शादियों पे लगी हुई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आपको थोड़े टाइम के बाद नमाज़ पढ़नी होती है, आपको रिमूव करनी होती है, तो रेड नेल पॉलिश रिमूव करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो मैं नेल पॉलिश लगाने वाली हूँ नहीं, और नेल्स अपने थोड़े से नेल कटर के साथ शेप करूँगी। उसके बाद हम मेकअप करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमने अपने बालों का क्या करना है। सारी की सारी रूम की लाइट्स मैंने ऑन कर ली हैं। अब जल्दी से हम अपना मेकअप करेंगे, ठीक है? पता नहीं यार कैमरा मैं कहाँ पे रखूँ। कैमरा अगर मैं यहाँ पे रखूँगी तो मुझे यहाँ से चीज़ें नहीं उठानी होंगी, और अगर यहाँ पे रख रही हूँ तो थोड़ा डार्क हो रहा है सारा कुछ। चलो कोई बात नहीं, ये कौन सा मेकअप ट्यूटोरियल है यार, कोई बात नहीं। खैर है, अब मैंने कंसीलर लगा लिया, और मुझे याद आया कि मैंने प्राइमर तो लगाया ही नहीं है। मुंह धो के दोबारा से करते हैं, ठीक है? अब मुझे फटाफट तैयार होना है, क्योंकि सब ऑलरेडी तैयार है, और मेरी आप हालात चेक करें। ये वाला मेबिलिन का प्राइमर लगाया, ये मेबिलिन का बेबी स्किन प्राइमर है,
जहाँ पे आपको थोड़े से ज़्यादा पोर्स नज़र आ रहे हैं फेस पे, सिर्फ मुझे नोज़ पे थोड़े से ज़्यादा फील होते हैं, तो मैं नोज़ पे एक डॉट लगा के उसका बस इसी वाले एरिया में ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ये मेबेलिन की फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, लेकिन बिल्कुल लाइट सी फाउंडेशन लगा लेते हैं यार। सारे मुंह पे कंसीलर थोप दिया था मैंने पहले। अब मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। कंसीलर पे हाथ थोड़ा सा हमें होला रखना है। फेस को सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ ये ग्लो ब्यूटी का फेस सेटिंग पाउडर। बहुत अच्छा पाउडर है ये। अब उसके बाद बारी आती है फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्ज करने की। यहाँ पे मेबेलिन का ब्रॉन्जर पड़ा हुआ है, ये वाला मैं मेबेलिन का ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी। से मैं अपनी आईज को भी थोड़ा सा कॉन्टोर कर दूंगी। आई मेकअप करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बारी आती है जी ब्लशन अप्लाई करने की। ये लशियस कॉस्मेटिक्स का ब्लशन अप्लाई कर रही हूँ। पाउडर ब्लश है, ब्लशन अप्लाई करने वाला ब्रश इसके साथ। कहीं भी जाना होता है ना तो मेकअप उतना अच्छा नहीं होता जितना आप रैंडमली जो मेकअप कर रहे होते हैं तब अच्छा होता है। मुझे नहीं पता मेरे साथ ही होता है या सबके साथ ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। आईब्रोज को फिल कर लेते हैं। आईलैशेस को कर्ल करूंगी। मतलब मैंने सोचा था लैशेस लगाऊंगी पर भाई इतना टाइम नहीं है, बल्कि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो छोड़ें आईलैशेस को। मस्कारे के दो कोट कर लेते हैं। सब जगह मैंने तहलका मचा दिया यार, यहीं तो पड़ी थी। वाटर लाइन में हम वाइट पेंसिल लगा लेंगे। हाइलाइटर, हाइलाइटर लगा दिया। क्या रह गया अब? रह गया है जी लिपस्टिक। कौन सी वाली लगानी है? रेड मरून कलर की लिपस्टिक निकालते हैं। कुछ ज़्यादा ही ब्राइट रेड है, मुझे थोड़ी सी मरून लिपस्टिक चाहिए। लिपस्टिक लग गई एंड आई एम डन। आसान हो रही है यार, आसान होती है तो वापस आती है। विद मेकअप और बालों को बस मैंने ऐसा कुछ कर लिया और अब हम शॉल लेते हैं। और अभी फैसल तैयार नहीं हुआ और मैं फैसल से पहले तैयार हो गई हूँ। इस बार की मुझे बहुत खुशी हो रही है।
आप देख लें, फुल वाला मैं तैयार हो गई हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि ये वाला कुर्ता उतार के मैं कोई, यार मोहम्मद भाई बस चुप नहीं करेंगे, मेरे दरवाजे पे आके बोलेंगे। फुल वाला तैयार हो गई हूँ, तैयार हो गई। और बस अब हम जल्दी से फ़ौरन से निकल रहे हैं। मेकअप मैंने अपना सेट नहीं किया, सेटिंग स्प्रे से भी सेट करूँगी। और बस यहाँ पे हमारा जो छोटा सा गेट रेडी विद मी था वो ख़त्म होता है। आई होप यू गाइज लाइक डेट। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से नीचे जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज सो मच, अल्लाह हाफिज़।